वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सिलेबस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन सेकंड का, जिसके अंदर हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक देखेंगे कौन सी यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स की क्लासेज है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है और आने वाले समय के अंदर अपलोडेड कर दी जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट इसके अंदर है डिसऑर्डर्स विथ ईयर नोज एंड थ्रोट। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होगी, जिसके अंदर एक्सटर्नल ईयर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ ओटालजिया, फॉरेन बॉडीज एंड ट्यूमर। वहीं अगर मिडिल ईयर की बात करें तो इम्पेक्टेड वेक्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्क्लेरोसिस, मेस्टोटाइटिस ट्यूमर। इनर ईयर की बात करें तो मेनियर्स डिजीज, लेब्रिनथाइटिस, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड ट्यूमर। वहीं अगर अपर एयरवे इन्फेक्शन की बात करें तो साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड, इथेनाइटिस, राइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनोइडाइटिस, पेरिटॉन्सिल आर एप्सिस, लेरिंजाइटिस। वहीं अपर रेस्पिरेटरी एयरवे की बात करें तो एपिस्टैक्सिस, नेजल ऑब्जर्वेशन के अंदर लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर ऑफ द लेरिंग्स, कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, स्पीच डिफेक्ट एंड स्पीच थेरेपी, डीफनेस प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन, हियरिंग एड, इम्प्लांटेड हियरिंग डिवाइसेस, स्पेशल थेरेपीज। जो ये यूनिट है आप इसे राइट डाउन करते रहिएगा हैंड टू हैंड, क्योंकि बार बार में आप वीडियो नहीं देख सकते, और आप अगर सिलेबस वाइज अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स है वो आएंगे, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस करना है, पढ़ना है। वही नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई के डिसऑर्डर्स। ये मोस्ट ऑफ सारी डिजीज कंडीशन है, उसका आपको क्लासेस भी अवेलेबल मिल जाएगी। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ पर यूनिट के टॉपिक वाइज वहाँ पर है वो वीडियोज़ है वो अपलोडेड है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर्स, आईलेड इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड डिफॉर्मिटीज़, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल इन्फ्लामेशन, लेंस कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डिसऑर्डर ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, ऑक्यूलर ट्यूमर, डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर एंड रेटाइनल विट्रस प्रॉब्लम, रेटाइनल डी अटैचमेंट, ऑक्यूलर एमरजेंसीज एंड डियर प्रिवेंशंस, ब्लाइंडनेस, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर आई बिंकिंग, आई प्रोस्थेसिस, आई और रिहेबिलिटेशन। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर, इसके अंदर रोल ऑफ नर्स भी दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है यूनिट है, जिसके अंदर आपको सबसे पहला है कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस के, हेडेक, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जैसे पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंट्राक्रेनियल एंड सेरिब्रल एन्यूरिज्म, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एन्सेफलाइटिस, ब्रेन एप्सिस, न्यूरोसिस्टिकोसिस। इसके अंदर मेनिंजाइटिस का वीडियो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोलेरा, सीजर, एपिलेप्सी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, क्रेनियल, स्पाइनल न्यूरोपैथीज, बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल, गुलेनबेरी सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, डेलिरियम, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्सियस पेशेंट एंड पेशेंट विद द स्ट्रोक, रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट विद द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, रोल ऑफ नर्स आ गया, स्पेशल थेरेपी, नर्सिंग प्रोसीजर और उनका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। वहीं अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ असेसमेंट, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरिजिया, मेटोरिजिया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवेरियन फेलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, सिस्ट एंड ट्यूमर, यूट्राइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर जिसके अंदर एंडोमेट्राइटिस, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल एंड यूट्राइन ट्यूमर,
यूटराइन डिस्प्लेसमेंट, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, रेक्टोसील। नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइनल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर इन्फेक्शन से ट्यूमर, डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट जिसके अंदर डिफॉर्मिटीज, इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्ट एंड ट्यूमर, मेनोपोज एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन टाइप्स जिसके अंदर टाइप्स, मेथड्स, रिस्क एंड इफेक्टिवनेस, स्पेशल मेथड्स के अंदर बेरियर मेथड, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, हार्मोनल, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स और टर्मिनल मेथड, स्टरलाइजेशन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अबॉर्शन, नेचुरल मेडिकल एंड सर्जिकल अबॉर्शन, एमटीपी एक्ट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इंजरीज एंड ट्रोमा, सेक्सुअल वॉयलेंस, स्पेशल थेरेपीज, नर्सिंग प्रोसीजर और देयर ड्रग्स यूज इन द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। वहीं अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, इसके भी आपको बहुत ही इजी वे के अंदर आपको इसका वीडियो है वो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप ये इस बर्न वाली यूनिट से एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का 101% यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर आपको बर्न क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी, वो सारा इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर बर्न, कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज, रोल ऑफ नर्स, लीगल एस्पेक्ट, रिहैबिलिटेशन, इसका मैनेजमेंट है बर्न का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। और बहुत ही हर एक बार यूनिवर्सिटी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस यूनिट से 16 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको यूट्यूब के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है और इसका वीडियो ज़रूर देखना है। वहीं अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करनी है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन, ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन के अंदर स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसके अंदर सबसे पहले आता है कॉमन मेलिग्नेंसीज ऑफ वेरियस सिस्टम्स जैसे ओरल, लैरिंग्स, लंग्स, स्टमक, कॉलन, लीवर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, सार्कोमा, ब्रेन, रीनल, ब्लैडर, प्रोस्टेट एक्सेट्रा। ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज, मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल इंटरवेंशंस, स्टेम सेल्स एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, अदर ट्रीटमेंट के अंदर साइकोसोशियल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर, रिहैबिलिटेशन, पेलिएटिव केयर जिसके अंदर सिम्टम्स एंड पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, होम केयर, हॉस्पिसिस केयर, स्टोमल थेरेपी, स्पेशल थेरेपी, साइकोसोशियल एस्पेक्ट और नर्सिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलने से पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा। इस यूनिट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट, इसके अंदर प्रिंसिपल पूछा जाता है, कोज, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल, मैनमेड, जिसके अंदर अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक, साइक्लोन्स, फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट, वॉयलेंस, टेररिज्म, बायोकेमिकल वॉर। वहीं अगर डिजास्टर प्रिपेयरनेस आता है, इसके अंदर टीम गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट वगैरह पूछा जाता है। वहीं रोल ऑफ नर्स आता है इसके अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, फाइनेंशियल, रिलोकेशन। वहीं इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर इसी यूनिट का टॉपिक है ये, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंसी सर्विस, फिजिकल सेटअप, सेटिंग, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, प्रोटोकॉल, कंसेप्ट ऑफ ट्राइज एंड रोल ऑफ नर्स, कोऑर्डिनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड फैसिलिटीज़, जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूटोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वगैरह इसके अंदर आता है। वहीं अगर प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, कॉमन इमरजेंसीज, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, कार्डियक इमरजेंसीज, शॉक, हेमरेज, पेन, पॉलीट्रोमा, रोड एक्सीडेंट, क्रश इंजरीज, वुंड बाइट्स, पॉइजनिंग, फूड गैस, ड्रग एंड केमिकल पॉइजनिंग, सीजर के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से क्लास ज़रूर ले सकते हैं। आने वाले समय के अंदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेज है वो अपलोडेड कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। पीडियाट्रिक इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसीज, ऑब्स्ट्रक्टिकल इमरजेंसीज, वॉयलेंस, एब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, रोल ऑफ नर्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। वहीं नेक्स्ट यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली पर्सन, ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। इसके अंदर नर्सिंग मैनेज डेमोग्राफी, मिथ्स एंड रिलेटेड रियलिटीज़,
कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ एजिंग, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, नॉर्मल बायोलॉजिकल एजिंग, एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम चेंजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मेडिकेशंस एंड एल्डरली स्ट्रेस कोपिंग इन एडल्ट्स, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, एंडोक्राइन, जेनेटो यूरिनरी, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल, स्किन एंड अदर सेंसरी ऑर्गन, साइकोसोशल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एल्डरली, रोल ऑफ नर्स ऑफ केयर ऑफ एम्बुलेशन, न्यूट्रिशनल, कम्युनिकेशनल, साइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल, रोल ऑफ नर्स इन केयर गिवर्स ऑफ एल्डरली, ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीगल एंड इथिकल इश्यूज, प्रोविजन एंड प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली प्रिविलेजेस, कम्युनिटी प्रोग्राम एंड हेल्थ सर्विसेज, होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। नेक्स्ट यूनिट आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट CCU, जिसके अंदर प्रिंसिपल पूछा जाता है CCU का, क्रिटिकल केयर नर्सिंग का, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, प्रोटोकॉल्स, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, CPR, ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर, ट्रांजिशनल केयर, इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली, इंटेंसिव केयर रिकॉर्ड्स, क्राइसिस इंटरवेंशन, डेथ एंड डाइंग, कोपिंग विद ड्रग यूज इन क्रिटिकल केयर यूनिट। नेक्स्ट यूनिट आती है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एडल्ट इंक्लूडिंग एल्डरली विद ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, जिसके अंदर स्पेशल थेरेपीज आती है, नर्सिंग प्रोसीजर आते हैं, ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स। तो ये सिलेबस है MSN सेकेंड का। आपको कौन से सब्जेक्ट का और वो सिलेबस चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग सही है, आपका व्यू क्या है चैनल के लिए, वो भी आप कमेंट के अंदर व्यू ज़रूर पुट करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड होइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।